हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइडेड। आज मैं आपके लिए इनविजिबल ब्लैक स्मोक इफेक्ट फोटो एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेके आ चुका हूं। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ना इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, एंड सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा मत, एंड बेल आइकन दबाना ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी हम बैकग्राउंड पीएनजी इस वीडियो में यूज करेंगे उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम ले लेंगे व्हाइट बैकग्राउंड। व्हाइट बैकग्राउंड लेने के बाद फिर हम ले लेंगे एक मॉडल पीएनजी। ये रहा हमारा मॉडल पीएनजी। इसको हम अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद फिर कर देंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद हम एफएक्स में जाएंगे। एफएक्स में जाने के बाद आपको स्केच पे करना है, और स्केच पे करने के बाद स्केच टू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नेट डाटा ऑन करने को कहेगा, तो आपको डाटा ऑन कर लेना है और फिर स्केच पे क्लिक करना है। स्केच पे क्लिक करने के बाद आप देखो लोडिंग हो रही है, थोड़ा नेट स्लो है। फिर कर देंगे स्केच होने के बाद फिर कर देंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद फिर आपको इस इमेज को सेव कर लेना है। ड्रा टूल्स में जाने के बाद इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद फिर आपको बैक आ जाना है और फिर आपको वाइट बैकग्राउंड ले लेना है। लेने के बाद फिर आपको ऐड फोटो में जाना है और फिर से एक मॉडल पीएनजी ले लेना है। सॉरी ये नहीं, ऐड फोटो में जाना है और फिर आपको ये इसके हमने कपड़े रिमूव कर रखे हैं, आपको भी ये पहले से ही मैंने ये कर रखा है रिमूव इसका, तो आपको भी कर लेना है। इसको करने के बाद फिर इरेजर टूल पर जाएंगे। देखो यहाँ अच्छे तरीके से नहीं हुआ था इसलिए इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। और यहाँ से देखो थोड़ा ज़्यादा ही रेज हो गया। इसको करने के बाद फिर कर देंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद फिर आपको ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद फिर जो हमें वो स्केच बनाया था वो ले लेंगे और फिर ब्लेंड में जाएंगे और मल्टीप्लाई पे कर देना है। मल्टीप्लाई पे करने के बाद इसको यहाँ पे सेट कर लेना है। सेट करने के बाद फिर आपको इसी में ही एफएक्स में जाना है और आर्टिस्टिक पे क्लिक करना है और फिर ऑयल पेंटिंग को कर देना है। ऑयल पेंटिंग को करने के बाद इसके अमाउंट को थोड़ा सा कम कर देना है 29 तक। फिर कर देंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद फिर आपको इसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद फिर आपको इरेजर टूल पे जाना है और फिर इसको अपने यहाँ फेस पर से इसको रिमूव कर लेना है और यहाँ पे हैंड्स पर से भी आपको रिमूव कर लेना है। अच्छे तरीके से इसको रिमूव कर लेंगे और यहाँ से भी इसको करने के बाद फिर आपको राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको फिर से राइट क्लिक कर देना है। अब हमें स्मोक पीएनजी लेना है। ऐड फोटो में जाएंगे और हमें स्मोक पीएनजी ले लेना है। इसमें हम 4 स्मोक पीएनजी यूज़ करेंगे, सभी अलग अलग तरह के पीएनजी यूज़ करेंगे। इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं एक को और इरेजर टूल पे जाएंगे। जो जो हमारे हैंड्स पे दिख रहा है उसको इरेज कर लेंगे। पहले हमें बॉडी के अंदर अंदर स्मोक करनी है, फिर बाहर से हम इफेक्ट्स डालेंगे इसमें स्मोक का अलग से। इसको रिमूव कर देते हैं बार बार से, जो जो हमारे बार बार स्मोक है इसको रिमूव कर देंगे। और फिर कर देंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद फिर से राइट क्लिक कर देंगे और फिर हम ऐड फोटो में जाएंगे और फिर से यही आपको स्मोक पीएनजी ले लेना है। इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और इसको एक स्मोक आपको यहाँ पे सेट कर लेना है और स्केच का भी पीएनजी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और ये जो हमें क्लोथ्स में ऊपर रखे थे पहले, उसका भी आपको पीएनजी मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में। सभी का आपको पीएनजी मिल जाएंगे। इरेजर टूल पर जाएंगे और फिर जहाँ हमें बॉडी पे दिख रहा है वहाँ से इसको इरेज कर देंगे। बाहर से आ रहा है इसको भी इरेज कर देंगे, जो जो हमारे बाहर आ रहा है। और ये हैंड्स पे आ रहा है इसको भी इरेज कर लेंगे अच्छे तरीके से। इरेज करने के बाद फिर कर देंगे राइट क्लिक और फिर से इसी का ही हम डुप्लीकेट ले लेते हैं और इसको यहाँ पे हम सेट कर देंगे। सेट करने के बाद फिर इरेजर टूल पे जाएंगे और इसको यहाँ से इरेज कर देंगे और फिर कर देंगे राइट क्लिक। फिर से डुप्लीकेट ले लेंगे इसी का ही हम और फिर एक को यहाँ पे सेट कर लेंगे हम। सेट करने के बाद फिर इरेजर टूल पे जाएंगे और फिर ये जो जो हमारे बाहर आ रहा है इसको इरेज कर देंगे और जो हमारे हैंड्स पे आ रहा है इसको भी इरेज कर देंगे। इरेज करने के बाद फिर आपको कर देना है राइट क्लिक और फिर से राइट क्लिक कर देना है। अब देखो हमारे बॉडी के अंदर अंदर स्मोक हो चुका है। अब हमें बाहर इफेक्ट डालने हैं स्मोक के। ऐड फोटो में जाएंगे। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको
दो टू स्मोक पीएनजी ले लेना है और फिर एक को यहाँ पे आप सेट कर लेंगे। इसको हम फ्लिप रोटेट में जाएंगे इसी में और रोटेट कर देंगे और इसको यहाँ पे हम सेट कर लेंगे और फिर इरेजर टूल पे जाएंगे और ये जो हमारे हैंड पे आ रहा है इसको इरेज कर देंगे। फिर कर देंगे राइट क्लिक और फिर दूसरे पीएनजी को सिलेक्ट करेंगे और फिर इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। सेट करने के बाद जो हमारे हैंड्स पे आ रहा है उसको इरेज कर देंगे। इरेज करने के बाद फिर आपको जूम आउट करके इसको अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद फिर कर देंगे राइट क्लिक, फिर से इरेजर टूल पे जाएंगे, देखो ऊपर की तरफ भी आ रहा था, फिर कर देंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद फिर से राइट क्लिक कर देंगे और फिर हम ऐड फोटो में जाएंगे और फिर एक और स्मोक पीएनजी ले लेंगे। ये रहा हमारा स्मोक पीएनजी, इसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे। सेट करने के बाद फिर इरेजर टूल पे जाएंगे और इसको यहाँ से इरेज कर देंगे। फिर कर देंगे राइट क्लिक और फिर इसी का ही हम डुप्लीकेट ले लेंगे और इसको यहाँ पे हम सेट कर देंगे। सेट करने के बाद इरेजर टूल पे जाएंगे, जो जो यहाँ पे हमारे हैंड्स पे आ रहे हैं इसको, और यहाँ से थोड़ा थोड़ा इसको इरेज कर देंगे और फिर कर देंगे राइट क्लिक और फिर से राइट क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक करने के बाद अब हमारे सभी पीएनजीज यूज हो चुके हैं। अब हम जाएंगे टूल्स में और फिर एडजस्ट में जाएंगे। एडजस्ट में जाके थोड़ी सी ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे और फेस पे शाइनिंग के लिए रेजर पे, और फिर ब्रश का यूज़ करेंगे। ब्रश की ओपेसिटी को कम एंड साइज को कम कर देंगे और फिर हमें जहाँ जहाँ हमें शाइनिंग चाहिए वहाँ हम ब्रश का यूज़ कर लेंगे और फिर कर देंगे राइट क्लिक और फिर हम एडजस्ट कर लेंगे हमें जितनी शाइनिंग चाहिए फेस पे और फिर कर देंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद फिर आपको जाना है ड्रा टूल्स में और इमेज को कर लेना है सेव। सेव करने के बाद अब हमारा पिक्सआर्ट का काम पूरा हो चुका है। अब हम लाइट रूम ऐप का यूज़ करेंगे। लाइट रूम ऐप को ओपन कर लेते हैं, ऑल फोटोज में जाएंगे और पहले फोटो को ऐड कर लेंगे। अब हमारी फोटो ऐड हो रही है। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। ऐड करने के बाद इसको ओपन कर लेंगे और फिर कॉन्ट्रास्ट को हाई एंड एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, हाईलाइट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे एंड शैडो को कम, वाइटनेस को भी कम, ब्लैक्स को भी कम कर देंगे। करने के बाद फिर आपको सैचुरेशन को कम कर देना है और इसको करने के बाद फिर आपको क्लैरिटी को थोड़ा बढ़ाना है और डीएज को भी 1330 तक बढ़ा देना है और विग्नेट को कम करना है माइनस में एंड मिड पॉइंट को भी माइनस में कर देना है। इसको करने के बाद फेदर को थोड़ा सा बढ़ा देना है एंड राउंडनेस को भी बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद फिर आपको जाना है सिलेक्टिव टूल्स पे और फिर आपको सर्कल सेलेक्ट करना है और अपने फेस पे शाइनिंग के लिए कौन एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद फिर कर देंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद फिर आपको जाना है शार्पनिंग को हाईएस्ट कर देना है 85 तक और नॉइज रिडक्शन को 32 तक। इसको करने के बाद फिर आपको यहाँ पे प्रीसेट्स में जाना है एंड फिर आपको ब्राइट पे क्लिक कर देना है। ब्राइट पे क्लिक करने के बाद फिर थोड़ा सा ब्राइट पे क्लिक करने के बाद फिर आपको कर देना है राइट क्लिक एंड फिर आपको एक्सपोजर को थोड़ा सा माइनस में कर देना है ताकि फेस पे थोड़ा सा और ग्लो दिखने लगे। अब देखो हमारी पिक तैयार हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलेगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।